हे फूडीज, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीपिका किचन में। और मेक श्योर कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आज की वीडियो है जो है वो मैगी पर है। आज हम बनाने वाले हैं मिक्स वेजिटेबल मैगी मसाला नूडल्स। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, आप इसमें अपनी कोई भी फेवरेट वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 टेस्ट मेकर और 2 मैगी के पैकेट। उसी के साथ लिए हैं कॉर्न्स, ये आपको मार्केट में इजली मिल जाते हैं, फ्रोज़न कॉर्न्स हैं। और इन्हें थोड़ी देर पानी में उबाल कर 2 मिनट तक फिर ये पक जाते हैं। उसी के साथ मैंने यहाँ पे 3 प्याज लिए मीडियम साइज़ के बिल्कुल बारीक कटे हुए, और 2 टमाटर मीडियम साइज़ के भी बारीक कटे हुए। आप यहाँ पे शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, पत्ता गोभी भी ले सकते हैं। उसी के साथ मसालों में मैंने लिया हल्दी, इससे काफ़ी बढ़िया कलर आता है मसाला मैगी में। और नमक स्वाद अनुसार, यहाँ पे हम जो टेस्ट मेकर डालेंगे उसमें भी हल्दी रहती है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे जीरा और धनिया पाउडर लिया है, धनिया से काफ़ी बढ़िया और मस्त टेस्ट आता है, वो ज़रूर डालिएगा। और उसी के साथ मैंने लाल मिर्ची यानी कश्मीरी लाल मिर्च ली है। तो चलिए सबसे पहले हम मैगी नूडल्स को बॉईल करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और उसमें मैंने 2 गिलास पानी है वो डाल दिया है। और पानी को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। पानी अच्छे से गर्म हो गया जो अब हम इसमें नूडल्स डाल देंगे। नूडल्स को बस बीच में से एक बार तोड़ना है, ज़्यादा नहीं तोड़ना है, नहीं तो बिल्कुल छोटी छोटी बन जाएंगी। इसलिए इसे एक बार तोड़कर दोनों पैकेट जो नूडल्स हैं वो हम इसमें डाल देंगे और नूडल्स को अच्छे से कुक होने देंगे। फ्लेम को हमें यहाँ पर हाई रखना है और इन्हें ऐसे चला देना है ताकि ये चिपके ना रहें और ये अच्छे से कुक हो। कभी कभार जब ये ऊपर से कच्चे रह जाते हैं अगर हम इन्हें मिक्स नहीं करते हैं, तो ऐसे मिक्स करने के बाद इसे हमें 3 मिनट या 2 मिनट तक कुक करना है हाई फ्लेम पे। और हमें इन्हें 90% तक ही कुक करना है, ज़्यादा मत कुक करिएगा, नहीं तो जो नूडल्स हैं वो मोटी हो जाएंगी और गलना स्टार्ट हो जाएंगी। नूडल्स अलग अलग नहीं रहेंगी, चिपकना स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए इसे हमें सिर्फ 90% कुक करना है। फिर हम नूडल्स को छान लेंगे और जो ठंडा पानी है वो डाल देना है जल्दी ही, नहीं तो जो नूडल्स है वो ओवर कुक हो सकती है गर्म पानी की वजह से। तो हमें इसे 1 से 2 बार ठंडे पानी में अच्छे से वॉश करना है ताकि जो नूडल्स है वो ठंडी हो जाए और उसके बाद वो चिपकेंगी भी नहीं। आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल डाल सकते हैं इसके अंदर 1 चम्मच, लेकिन मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ। हम इसे ना प्लेट में डालकर ऐसे स्प्रेड कर देंगे ताकि जो नूडल्स है वो चिपके ना। और इसे हमें फ़ैन के नीचे नहीं रखना, नहीं तो ये टाइट हो जाएगी। अगर आप हवा के नीचे रख दोगे तो इसे किचन में ही एक साइड रख दीजिएगा। तो नूडल्स हमारे कुक होकर तैयार है। अब हम मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली और उसमें 2 बड़ी चम्मच हमें घी के डाल देने हैं। और घी को अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। देसी तड़के के लिए मैंने यहाँ पे जीरा यूज़ करा। आप चाहें तो राई डाल सकते हैं अगर आपको राई पसंद हो तो तड़के में। तो जीरे को अच्छे से कुक करना है हाई फ्लेम पे। और अभी हमें जो गैस की फ्लेम है वो हाई रखनी है। जब हम वेजिटेबल्स को कुक करें तब आपको मीडियम करनी पड़ सकती है फ्लेम को। तो जैसे ही हमारा जीरा पक जाए फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज। उसी के साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको हमें ट्रांसपेरेंट होने तक कुक करना है। फ्लेम को अब हमें मीडियम कर देना है, नहीं तो जो प्याज है वो कुछ प्याज जो है वो ज़्यादा पक जाएंगे और कुछ प्याज कम पकेंगे। तो इसलिए फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और कढ़ाई और घी दोनों ही काफ़ी गर्म है तो वो जो प्याज है इंस्टेंट ही कुक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम रखी है और प्याज को हमें ऐसे ट्रांसपेरेंट होने तक कुक करना है। फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर, और टमाटर को डालने के बाद हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक कि ये कलर छोड़ दे, प्याज में इसका बढ़िया सा लाल रंग ना आ जाए तब तक हम इसे कुक करेंगे। तो देखिए प्याज जो है वो रेड हो गए हैं और टमाटर भी अच्छे से मैश हो रहे हैं। तो उसी के साथ मैं यहाँ पे बॉइल्ड कॉर्न्स ले रही हूँ, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे आप जो फ्रोजन कॉर्न्स होते हैं वो लेके आएँ, उसे पानी में 2 मिनट तक उबले हुए पानी में गैस पर हाई फ्लेम पे पकाएं तो कॉर्न्स हमारे तैयार हो जाते हैं। तो कॉर्न्स तो पहले से ही कुक थे तो हम उसे ज़्यादा देर तक कुक नहीं करेंगे। तो उसके साथ मैं यहाँ पे मसाले डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिर्च ली है, और 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर लिया है। आप अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं।
धनिया भी मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून जो है वो ले लिया है। आप यहाँ पे धनिया जो फ्रेश होता है वो ले सकते हैं अगर आपके पास पाउडर ना हो तो। मैंने यहाँ पे पाउडर इसलिए लिया है क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास जो फ्रेश कोरिएंडर लीव्स हैं वो अवेलेबल नहीं थी। तो हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से कुक करने के बाद हम इसमें डाल देंगे नूडल्स। और ध्यान रखना जो मैगी का मसाला है वो सबसे लास्ट में डालना है ताकि जो नूडल्स है उसमें अच्छा सा टेस्ट आए, जो टेस्ट मेकर है उनका। तो मैं इनको इन्हीं के ऊपर डाल दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं क्योंकि मैगी जो है वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो थोड़ी सी इसे कंसिस्टेंसी कूल करने के लिए आप पानी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है बिल्कुल। और अगर आपको वेट मैगी पसंद हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए जो हमारी मसाला मैगी है वो तैयार है। आप इसे वेजिटेबल्स मैगी भी कह सकते हैं। तो जो हमारी मसाला मैगी है वो तैयार हो चुकी है। और कितने अलग अलग हैं नूडल्स, काफ़ी टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और बेल आइकन पर ऑल करें। और कमेंट में बताइएगा नई रेसिपी कौन सी लेके आऊँ नेक्स्ट रेसिपी। तो तब तक बाय, अपना ख्याल रखिएगा और इस मैगी की यम्मी और टेस्टी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा।